13 अप्रैल 2024 की आधी रात को ईरान ने हिजबुल्ला और हूती के साथ मिलकर एकाएक इसराइल पर 350 से ज्यादा रॉकेट, ड्रोन्स और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से इसराइल ने ईरान के इस हमले को नाकाम करने का दावा किया था। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए 99% ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। हालांकि ईरान और इसराइल दोनों की ओर से हमले में नुकसान के अलग अलग दावे किए गए हैं। इसराइल के अनुसार उसके एक एयरबेस पर इस हमले से मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन वहीं ईरान ने इस हमले में इसराइल को कहीं ज्यादा नुकसान होने का दावा किया था। लेकिन इस हमले के बाद से ही इसराइल ईरान से इंतकाम लेने की आग में जल रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो ईरान को इस हमले की सजा जरूर देंगे, और तब से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। और इसी को लेकर अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियस ने एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि 15 अप्रैल 2024 यानी सोमवार की रात में इसराइल ईरान पर बड़ा जवाबी हमला करने वाला था, लेकिन संचालन के कारणों की वजह से इसराइल अपने इस कदम से पीछे हट गया था। एक्सियस का कहना है कि शनिवार के हमले के बाद ये दूसरी बार है जब ईरान पर जवाबी हमले को टाल दिया गया। हालांकि युद्ध कैबिनेट ने आईडीएफ को ईरान पर हमला करने की अनुमति देने का फैसला किया था, लेकिन परिचालन कारणों की वजह से ईरान पर हमले के फैसले को आगे नहीं बढ़ाया गया। ईरान पर हमला करने को लेकर अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि वो भविष्य में इस तरह के हमले की सूचना देंगे और इस तरह के फैसलों में समन्वय करेंगे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि इस तरह के फैसलों से इलाके में उसके हितों को नुकसान पहुंचेगा। चूंकि इसराइल ने अमेरिका को अपने अंतिम फैसले की सूचना दी थी, जिस पर 5 सदस्यीय वॉर कैबिनेट ने चर्चा की थी। हालांकि इसको लेकर इसराइल के एक अधिकारी का कहना है कि ईरान पर हमले को लेकर फैसला किया जा चुका है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि ये हमला कब और कैसे होगा। एक्सियस ने इसराइल के 5 और अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। इसको लेकर एक्सियस को अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हम आश्वस्त नहीं है कि क्यों और कैसे हकीकत में ये हमले के कितने करीब था। वहीं एक अन्य सूत्र ने एक्सियस को बताया कि इसराइल ने बाइडेन प्रशासन को ये बता दिया है कि उसने तुरंत कार्रवाई करने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया है। एक तीसरे अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियस को बताया कि ईरान के अंदर एक छोटा इजरायली हमला संभवतः ईरान की जवाबी कार्रवाई को जन्म देगा। हालांकि बाइडेन प्रशासन को ये उम्मीद है कि शनिवार को शुरू किए गए जवाबी हमले की तुलना में इसका दायरा छोटा होगा, जिसमें ईरान से इजरायली सैन्य संपत्तियों की ओर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें लॉन्च की गई थीं।